हाँ दोस्तों, मैं आला गायक पंकज तिवारी, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। अब मैं कन्हैया कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक ऐसा प्रसंग रख रहा हूं, हमने जिसे महाभारत से लिया है, महान योद्धा वीर अभिमन्यु की वीर गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। हो भारत है वीरों की धरा, जहां जन्म लियो अगणित बलधारी। महाभारत का हो युद्ध चल रहा, ओ विषधर कुरुक्षेत्र मैदान, और मार करा रिये पांडव के नाव, नित प्रतिहन हजारों जवान। हलचल मच गए कौरव दल मा, हिल गए पांव नरेशन क्या, और भारी चिंता दुर्योधन का जो हस्तिनापुर का राजकुमार। और जाय पहुंचा द्रोणाचार्य, ढिग दोनों हाथ बांध रह जा, और नित प्रति सेना कटे हमारी कोई तरकी बदे हो बतला। और तब समझावा गुरु द्रोण ने, बेटा धीर धरो मन मा, व्यूह की कल रचना कर, मारो प्रलय काल हो जा। बड़ी खुशाली दुर्योधन का, वैठत चला मोक्ष के बाद। और हाहाकार मचा पांडव दल का, हो अब करी हो कौन उपाय। और शीश झुकाए खड़े
बच रहा माछ का बाट। और धर्मराज बोले दुश्मन ने रच के व्यूह किया कैया। और चक्र व्यूह का वेधन वाला है अर्जुन सिवा दूसरा ना। और किसको भेजूं समर भूमि माया ती बात समझ माना। और जो ना पहुंचे समर भूमि मा हो जाय हार पांडवन क्या। और यह उदासी अभिमन्यु ने जो अर्जुन का राजकुमार। और चक्र व्यूह कल मैं बेधूंगा ये का जो मारा हमार। और देख वीरता अभिमन्यु की खुश भे धर्म राज मारा। जाय पहुंचा फिर महलन माँ जहाँ दरबार
अभिमन्यु ने ऐसा उचित नहीं दिखला। धर्म नहीं यो छत्रालिन का मन अपने माँ करो विचार। हिम्मत कई कई उठे दुलारी छाते सिला लिया सरकार। थाल सुबरल का सजवावा चौमुख दिया हुआ दैया। दीन आरती पति अपने कै माध्यम रचना प्रथम द्वार पर खड़ा था जयद्रथ जो वरदानी महादेव ज्ञान। और भारी गर्व किया जयद्रथ ने अभिमन्यु से कहा सुना। तुम्हारे नाही जो सह सको समर का भा।
जो रलमा घट जाए धर्म क्षत्रिय यह सोच के अभिमन्यु फिर तुरत म्यान किया दलवा आगे बढ़े वीर अभिमन्यु शंका जिसे काल कहना जाए पहुंचे दूज द्वार पर सब जन सुनना ध्यान लगा दूज द्वार पर खड़े द्रोण जी जो रह गुरु पांडवन क्या बाल छूट गए अभिमन्यु के गुरु चरणों में पहुंचे जा भर गया कहा गुरुवर ने बेटा कुशल नहीं दिखला शेष हमारा है अर्जुन प्यारा जिह के हो तुम प्राण धार शायद बदी भई तुम्हारे संग अर्जुन रोय रोय मर जा नहीं विश्वास बंधे जी रामा घटिया वंश कौरवन क्या बारी उमरिया देख तुम्हारी जी रा तड़प तड़प रह जा ललकार कहा अभिमन्यु का बकिर हो देव तब ललकार कहा अभिमन्यु गुरुवर कति गे ज्ञान तुम्हार समर छोल जो क्षत्रिय भागत वही के जीव का अधिकार कहा कुठरिया है सोने की जा हमरा खब प्राण बचा अभिमन्यु की पहुंचा दोष दुशासन लीने गदा खड़ा दुशासन अभिमन्यु से कहा सुना दूध के दांत अब टूटे ना आयो समर बांध तलवार डर जाओ आखिन के समहे से न पी जाओ खून कलेजे क्या धर के टपटा अभिमन्यु ने दुश्मन तेरा बुरा हो जा अर्जुन वाला गर्दन पकड़ दुशासन क्या तुरते पटक दिया धरती माँ की ना देर जरा भी ना यो चल बैठ तुरत छाती पर खरस खींच लिया तलवार कहो तुम्हारी दुशासन अब गर्दन काट देई भुईदा लेकिन तुमका हम मारब ना तुमका मरी है चचा हमार पूरी प्रतिज्ञा है आपन करी है नाहर भीम से न बलवा इसमें फर्क नहीं पढ़ने को यह पत्थर कली कहोया इतना कह के अभिमन्यु ने खरस खींच लिया तलवार जौन सूरमा समहे आवा सबका दीना मार गिरा आगे बढ़े वीर अभिमन्यु शंका कोई बात कहना जाय पहुंचे चौथे द्वार पर जहां रहे सूर पांडवन ज्ञात उरली ने गदा खड़ा दुर्योधन गंधारी का राजकुमार और मार था का हसा दुर्योधन अभिमन्यु से कहा सुना
हमारो है बागन माँ बगुला हमार ताल माजा and